सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको विक रीडिंग पर ट्रेड कर दिखाने वाला हूँ। तो गाइज आप समझ सकते हो जो वीडियो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ठीक है। सो देखो मार्केट आज रियल मार्केट है और आज मार्केट जो है वो भाई मंडे है, ठीक है। तो मार्केट थोड़ी बहुत अपनी हरकत दिखा सकती है, हरकत दिखाने का मतलब गाइज थोड़ी बहुत वॉलेटाइल मतलब दिखा सकती है अपना रूप, ठीक है। सो देखते हैं विक रीडिंग में, आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कैसे क्या आपको करनी है। मेन चीज़ ये होती है विक रीडिंग में कि कैंडल को कहाँ से प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो मार्केट है वो इस टाइम पर थोड़ा इस टाइप का हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी मार्केट ऑफ ट्रेंड में है। ऑफ ट्रेंड के बाद अगर देखो आप लोग ट्रेंड लाइन नहीं लगाते हो तो ट्रेंड लाइन की भाई वैल्यू देना सीखो, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। मैंने भाई ऐसा एनालिसिस किया है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो ये जो है ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, देखते हैं कि मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोज करती है एंड मुझे यहाँ पर कोई सडनली रिएक्शन दिखाई देता है। सो यहाँ पर तो भाई बड़ा ही खतरनाक रहेगा ट्रेड में जाना, ठीक है, क्योंकि भले ही अब ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है एंड कुछ मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दिया, ठीक है। मैं यहाँ से रिवर्स करूँगा मार्केट को, सॉरी इसे चेंज करूँगा चार्ट को। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बना रखा है, मतलब मार्केट अभी एक लेवल तोड़ने का फुल स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं, अगर यहाँ पर मेरे को यहाँ पर इसमें कुछ दिखाई दिया ट्रेड मिला तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रेस करेंगे ट्रेड को। सो अभी वेट कर लेते हैं। वैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने का फुल ट्राई कर रही है, इसको भी हटाओ, कोई अच्छी मार्केट देखो भाई, ठीक है। यहाँ से क्या है, मार्केट ऑफ ट्रेंड में है, जाने का ट्राई कर रही है और ऊपर से मार्केट दो ही कैंडल्स आई हैं बायर्स की, जो कि बता तो ये रही है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई मार्केट, ठीक है, ठीक है। ओके लास्ट सेकंड में मुझे मैंने यहाँ से कर दी है एक ट्रेड ऊपर की ओर, ठीक है। देखो क्या था, ये जो कैंडल अभी बनी थी ये वाली, ये जो कैंडल है, एक मिनट, जैसे ये जो कैंडल है ना, ठीक है, ये क्या थी, लास्ट में देखा होगा पीछे नीचे गई थी, ठीक है, लेकिन लास्ट में इसमें बहुत तगड़ा रिजेक्शन आया था, जो कि मुझे ये बता रहा था कि जो अगली कैंडल है वो यहाँ से ग्रीन बनने वाली है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो सेलर भी जो आया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक आया है, तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अगर ये लॉस होगी भाई तो रिकवर करेंगे। देखो क्या आया ना कि मार्केट जो चलती है भाई वो सिर्फ नॉलेज के दम पर चलती है, ठीक है। मैंने इसमें क्या देख लिया कि जो मार्केट है वो अगली कैंडल यहाँ से ग्रीन बनने वाली है, ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर नहीं देख पाया, ये जो कैंडल है वो भाई गैप अप कर बैठी, जल्दबाजी में मैं ये नहीं देख पाया। तो भाई देखो गलतियाँ होती हैं, इंसानों से होती हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं देख पाया, लेकिन देखो नॉलेज में इतनी पावर है। ओके भाई करा दे विन, चला जा भाई, ठीक है। मैंने यहाँ से दो ट्रेड कर दिए ऊपर के लिए, ये मेरी 1000% की शॉर्ट ट्रेड है, समझ रहे हो। क्यों शॉर्ट ट्रेड है, क्योंकि भाई देखो ऐसा हुआ था, यहाँ पर जो थी मार्केट का टारगेट है ऊपर जाना। देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मार्केट में टारगेट ट्रेडिंग सीखो। अब देखो विक रीडिंग के अनुसार आपको बताऊँ, जो कि मैंने आपको बताया विक रीडिंग का वीडियो है, तो ये जो विक्स बन रही है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रही है, नीचे से मतलब बाइंग प्रेशर है, प्लस दो बायर्स भी सेलर्स भी फेल हुए हैं अपना मार्केट को नीचे ले जाने में, प्लस उन्होंने हाई तो लगाया है, हाई लगाया है, देखो हाई उन्होंने बराबर अपना लगाया है नीचे, लेकिन क्या है वो नहीं ले जा पाई मार्केट को। एंड अब इनका टारगेट इसको तोड़ना नहीं बल्कि बायर्स का टारगेट हो गया अब इसको तोड़ना, समझ गए। तो ये जो मैंने इसीलिए ट्रेड लिया इसी कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेटली ये मेरी शॉर्ट ट्रेड होनी चाहिए। और अब देखते हैं ये जो कैंडल है उसको कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। तो गाइस अब यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाके एक हाई लगाना ही चाहिए, मैं इस कैंडल के बाद भी ऊपर की ट्रेड लूँगा, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ से क्यों कर दी ऊपर की ट्रेड, देखो भले ही ये जो कैंडल बनी है मेरी ये वाली, थोड़ा देखो इसमें ऊपर से विक नहीं है, हट जा भाई, इसमें ऊपर से विक नहीं है ये वाली जो कैंडल बनी है, ठीक है, अरे भाई ठीक है ये वाली। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर टारगेट ट्रेडिंग किया है ये वाली, यहाँ पर मार्केट को तोड़ना, इसका मतलब इसको तोड़ने जाना ही है मार्केट, भले यहाँ पर कुछ भी दिखाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन का यूज किया है और मेरे अकॉर्डिंग कैंडल को इसको तोड़ना जाना ही चाहिए इस लेवल के लिए, क्योंकि ट्रेंड के साथ की ट्रेडिंग करना सीखो भाई, लॉसेस आपके कम हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। देखो तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए, क्योंकि भाई मैं ट्रेंड के साथ की ट्रेड कर रहा हूँ, ना कि ट्रेंड को रिवर्स कर रहा हूँ, तो मैंने बायर्स पे भरोसा किया है तो बायर्स को भी मेरा ही साथ देना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे यहाँ पर देखा जाए
तो मार्केट को जाना ऊपर ही है, क्योंकि अगर इसको इवनिंग स्टार मानते हैं लोग तो उसका ब्रेकआउट भी एक रियल ब्रेकआउट हुआ है एंड उसी के ऊपर मैंने अपनी ट्रेड लगाई थी, तो इसीलिए जो मेरी ट्रेड है वो विन होगी। मैंने एक ट्रेड यहाँ से और कर, अरे भाई फिर धोखा भाई, देख रहे हो, मैंने नहीं देख पाया और इसने फिर से गैप अप कर दिया, ये वाली कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया। लेकिन भाई मैं यहाँ पर इतना तो श्योर हूँ कि बायर्स को आना ही चाहिए भाई, क्योंकि सेलर्स भी हो चुका, भले ही आप गैप अप हुआ हो कुछ भी होगा, लेकिन बायर्स को अपना भाई काम यहाँ पर करना चाहिए होगा, उनको आना होगा, कम से कम इस लेवल को तोड़ना ही होगा, क्योंकि नीचे से भाई अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड में सेलर्स बार बार वीक हो रहा है, तो इंडिकेशन यही मिल रहा है कि बायर्स को आना चाहिए। लेकिन भाई वही चीज़ है कि मार्केट गैप अप कर बैठी तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो भाई यहाँ पर तो देखो भाई यार, मैं जो ट्रेड है ना वीडियो बनाता हूँ तो मेरी डेफिनेटली लॉस होती है, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में यार मैं देख नहीं पाता हूँ सिनेरियो क्या क्या चेंज होगा। देखो जैसे यहाँ पर पिछली वाली भी मेरी गैप अप के कारण ही बच गई थी, ठीक है, वो भी लॉस हुई थी शायद उसी के कारण। तो देखो यार, ठीक है, तो इस बात के लिए यार लाइक तो बनता है ना एक, ठीक है, लाइक कर देना, और ठीक है थोड़ा और नीचे, ओके, मैं यहाँ से दो ट्रेड कर दी हैं मैंने ऊपर के लिए, क्यों किए हैं देखो, अभी अभी जो मार्केट में बायर्स आए हैं, ठीक है, थोड़ा इसको देखो ऐसे लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, अभी अभी जो बायर्स ने अपना यहाँ पर एक मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे दिखाई है, बिग कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल उन्होंने भले ही मुझे दिखाई है, लेकिन भाई ये जो मोमेंटम पीछे से बना है, ये वाला जो मोमेंटम जो कि बायर्स का मोमेंटम यहाँ से क्रिएट हो रहा था, ये मोमेंटम पागल नहीं है, ये वाला मोमेंटम भी पागल नहीं है कि इन सेलर्स को इतनी ईजिली आने देगा। और मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लगाई है वो एक सपोर्ट लेवल पर लगाई थी इसकी बिग के ऊपर, ठीक है, जहाँ मेरा ब्लू कलर की लाइन है उस पे, क्योंकि भाई दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाना ही मार्केट का काम है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी शॉर्ट ट्रेड की थी, डेफिनेटली मेरी शॉर्ट शॉर्ट होगी। और गाइस अगर आप में से कोई मेरा मेंटोरशिप में आना चाह रहा है तो फटाफट से आ जाओ, उसकी सीट अभी काफ़ी खाली पड़ी है, मतलब ज़्यादा सीट खाली नहीं है, ठीक है, फटाफट से आ जाओ, टेलीग्राम पर DM कर देना मेरे को, ऐसी ही ट्रेडिंग अगर आपको भी सीखनी है तो, ठीक है गाइस, तो गाइस इस वीडियो में मैं इतनी पर अपना सेशन ख़त्म करता हूँ।